कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है। वो गैर बीजेपी सरकारों से भेदभाव करती है, उन्हें विकास के लिए पैसे नहीं देती है। अब खड़गे के इस बयान का जवाब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दिया है। रमन सिंह ने कहा कि देश को कौन तोड़ता है ये तो सभी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी प्रजातंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है और देश में 18 महीने का आपातकाल इसी पार्टी ने लगाया था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे राजनांदगांव आए बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को बताना चाहिए कि राजनांदगांव का अधिकार उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्यों छीना। राजनांदगांव के साथ कांग्रेस ने जिस प्रकार का व्यवहार किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को उसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने सारे विकास कार्य ठप कर दिए। केंद्र से जो पैसे मिल रहे हैं सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। यह सरकार घोटालेबाज सरकार है। भूपेश बघेल ने गरीबों का घर छीना है। खड़गे को पहले तो ये जवाब देना चाहिए कि राजनांदगांव आए, ठेकवा में आए, राजनांदगांव विधानसभा में उपस्थित रहे, इस बात का हिसाब देना चाहिए कि राजनांदगांव का अधिकार छीना तो उनके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। राजनांदगांव से जितने शासकीय कार्यालय थे, एडीबी का कार्यालय चला गया, पीडब्ल्यूडी का कार्यालय चला गया, पांच पांच कार्यालय राजनांदगांव से चले गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये नहीं मालूम है कि राजनांदगांव के साथ कांग्रेस ने 5 साल में किस प्रकार व्यवहार किया। सारे विकास कार्य ठप हो गए, पूरे के पूरे काम हो गए। सारी शासकीय योजनाओं में केंद्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ये उनको जवाब देना चाहिए कि हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार उसके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस कौन सा नया काम कर रही है, हमारी ही योजनाओं को तो आगे बढ़ा रही है। भूपेश बघेल अपने वादों का जवाब दें। आपने शराबबंदी का वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया, आपने रोजगार का वादा किया उसे भी पूरा नहीं किया। आज 2 लाख संविदा कर्मचारी आपसे सवाल कर रहे हैं, उनके सवाल का जवाब दीजिए। भारत से बहुत प्यार करते हैं खड़गे जी, ख्याल नहीं है, इस देश को जेल बना दिया, आपातकाल लगा दिया, 18 महीने के जेल में कन्वर्ट हो गया। प्रजातंत्र की हत्या करने वाली पार्टी, डेमोक्रेसी को कुचलने वाली पार्टी, हजारों लाखों लोगों को जेल के अंदर डालने वाली पार्टी, आज प्रजातंत्र की बात उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। कोई नई योजना नहीं, हमारी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं, कौन सा नई काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल पहले अपना तो जवाब दे, गाय वाली बात तो 15 साल पुरानी बात याद कर रहा है। आज याद करे कि भूपेश जी तुमने वादा किया है जन घोषणा पत्र में, शराबबंदी कहाँ गया? आज महिलाएं पूछ रही हैं गांव-गांव में, गली-गली में शराबबंदी क्या हुआ? 10 लाख नवयुवकों का बेरोजगारी भत्ता कहाँ चला गया? आज 2 लाख कर्मचारी पूछ रहे हैं, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, क्या हुआ उनके वादे का जो जन घोषणा पत्र किया था? 2 साल का बोनस देने का वादा भूपेश बघेल ने किया था, वो वादा कहाँ चला गया? गाय की बात छोड़ें, गाय तो पुरानी बात होगी, आज जो उसने घोषणा किया है जनता के बीच में उसके तो मुकर गए पूरे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 consecutive years, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।